हेलो फ्रेंड, डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंसर्शन ऑपरेशन ऑन बी ट्री की बी ट्री में किसी भी एलिमेंट को किस प्रकार से हम इंसर्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सर्चिंग ऑपरेशन ऑन बी ट्री के ऊपर सर्चिंग ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म करते हैं। आज के वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे कि इंसर्शन, अगर अभी तक आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर इसको एल्गो की बात करें कि इंसर्शन किसी भी बी ट्री में किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए किस एल्गो का हम फॉलो करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम अपने बी ट्री को चेक करते हैं, क्या हमारी बी ट्री एम्प्टी है, कि बी ट्री में कोई एलिमेंट नहीं। ऐसा भी केस हो सकता है कि हमारे बी ट्री में कोई एलिमेंट ही ना हो जब हम इंसर्ट करना स्टार्ट कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि बहुत सारे एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हो। तो अगर होता क्या है कि अगर हमारी बी ट्री एम्प्टी है, देन हम क्या करेंगे, इफ कह रहा है कि ट्री इज एम्प्टी देन क्रिएट ए न्यू नोड, तो हम एक क्या करेंगे, न्यू नोड को क्रिएट करेंगे और वो न्यू नोड क्या हमारी होगी, रूट नोड की तरह वर्क करेगी। तो ठीक है, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारी बी ट्री एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी है। अगर हमारी बी ट्री एम्प्टी है देन हम क्रिएट करेंगे एक न्यू नोड जो वर्क करेगी एज ए रूट नोड की तरह। अब आगे क्या करेंगे, इफ अब क्या हो गई, अब रूट नोड एग्जिस्ट करने लगा तो अब हमारी ट्री क्या हो गई, नॉट एम्प्टी हो गई, मतलब अब एम्प्टी नहीं है क्योंकि उसमें एक रूट एग्जिस्ट करता है, एक नोड एग्जिस्ट करती है। तब क्या हो जाएगा, इफ ट्री इज नॉट एम्प्टी, अगर ट्री हमारी एम्प्टी नहीं है देन हम क्या करेंगे, सुटेबल लीफ नोड एडेड यूजिंग बीएसटी रूल। तो कह रहा है कि जो भी हमारे सुटेबल लीफ नोड होंगे उनको हम ऐड करना स्टार्ट करेंगे यूजिंग बीएसटी के रूल से। अब बीएसटी का रूल क्या होता है, सबसे पहले ये भी तो समझना जरूरी है कि बीएसटी का रूल होता क्या है। ये बीएसटी का फुल फॉर्म होता है बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े हैं, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब आगे बात करें कि BST की प्रॉपर्टीज होती क्या है, BST की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि डुप्लीकेट्स नंबर आर नॉट अलाउ इन ट्री, मतलब कि जो भी डुप्लीकेट्स नोड नहीं अलाउ होंगी इस ट्री के अंदर। मतलब अगर हम कह ले कि अगर हमारे कोई ट्री है, ठीक है, अगर उस ट्री के अंदर 30 एलिमेंट पहले से है तो उस ट्री के अंदर हम दोबारा 30 को नहीं एंटर कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये बीएसटी की प्रॉपर्टीज है कि डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउ, मतलब डुप्लीकेट्स को हम अलाउ नहीं करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या होती है कि सबसे पहले कि जो भी हमारा रूट नोड होता है, ठीक है, रूट नोड से जितने भी छोटी वैल्यू होती है वो लेफ्ट सबट्री में और जितनी बड़ी वैल्यू होती है राइट सबट्री में आती है। मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर मान लो कि हमारे पास 45 है, अब 45 से जितनी भी छोटी वैल्यू होंगी वो लेफ्ट साइड एग्जिस्ट करेंगी और 45 से बड़ी वैल्यू राइट साइड में एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि बीएसटी की प्रॉपर्टीज क्या है, और अभी आपको डीप में डिस्कस देखना है इसके बारे में तो आप जाके वीडियोस देख सकते हैं। अब आगे अगर हम बात करें कि अब आगे क्या होता है, अगला स्टेप हमारा क्या है कि इफ दैट लीफ नोड इज हैज एम्प्टी, अगर लीफ नोड हमारा एम्प्टी है तब पोजिशनल ऐड करेंगे हम उसमें द न्यू की वैल्यू की तरह। अगर अब तो ये भी तो हो सकता है कि हमारी रूट नोड की जो भी लीफ नोड हो वो क्या हो, एम्प्टी हो, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, पोजिशंस के हिसाब से उनको ऐड करते जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे उनको एक असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे सेट कर लेंगे, इंसर्ट करने के बाद उनको एक असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है कि इफ द लीफ नोड इज ऑलरेडी फुल, अगर रूट जो भी हमारी लीफ नोड है ऑलरेडी फुल हो गई, मतलब अगर लीफ नोड हमारी फुल हो चुकी है तब हम क्या करेंगे, स्प्लिट द लीफ नोड। स्प्लिट का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब तोड़ देना, लीफ नोड को हम क्या करेंगे तोड़ देंगे, सेंडिंग मिडल वैल्यू से तोड़ देंगे और उसको क्या बना देंगे, उसका पेरेंट नोड बना देंगे। इन सारे कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे एग्जांपल के जरिए तो बहुत ही ज्यादा समझ में आने वाला है। अब यहां पे कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए बी ट्री ऑर्डर थ्री, कह रहा है कि एक बी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है ऑर्डर थ्री का, ठीक है, जिसमें इंसर्ट करना है नंबर एक से लेके दस तक के नंबर हमें इसमें इंसर्ट करते जाना है। तो कैसे इंसर्ट करेंगे इस चीज को डिस्कस करना है, ठीक है।
तो ऑर्डर थ्री का मतलब क्या होगा? आपको ऑर्डर थ्री, ऑर्डर फोर, ऑर्डर फाइव, जनरली तीन तरह के ऑर्डर्स मिलते हैं क्वेश्चंस में, जो भी एग्जाम्स में आता है ऑर्डर फाइव, ऑर्डर थ्री, ऐसे ही नंबर्स आते हैं। अब ऑर्डर थ्री का मतलब, एक हमारे पास रूल होता है कि अगर ऑर्डर क्या है, ऑर्डर को हम यम से डिनोट करते हैं, अगर यम की वैल्यू थ्री है तो एक फॉर्मूला हमारे पास होता है यम माइनस वन, यानी कि यम की वैल्यू क्या हो गई, थ्री माइनस वन यानी टू, इसमें कितने नोड बनेंगे, टू नोड्स बनेंगे। जैसे ये पार्ट है वन टू, ए से दो नोड्स बनेंगे, जब यहाँ पे तीसरी नोड आएगी तो बीच से क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगी, हमारी लीफ नोड क्या होगी, टूट जाएगी, यहाँ से बीच से स्प्लिट हो। तो सबसे पहले हमने इंसर्ट कर दिया वन, हमारी क्या थी अभी, जो भी बी ट्री थी अभी एम्प्टी थी, यहाँ पे एम्प्टी थी, कोई भी एलिमेंट नहीं था, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इंसर्ट वन, वन को इंसर्ट किया, एक नोट इंसर्ट हो गया। उसके बाद हमने इंसर्ट किया टू को, टू इंसर्ट हो गया, ठीक है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा, जब हमने इंसर्ट किया थ्री को, जब हम इसमें थ्री को इंसर्ट करते हैं, क्योंकि हमारी तो नोट ऑलरेडी फुल हो चुकी है, जब फुल हो चुकी है तो हम इसको क्या करेंगे, बीच से स्प्लिट। अभी हमने मान लिया कि ए भी एलिमेंट मान लो है, ठीक है, मान लिया हमने, तो इसको हम क्या करेंगे, बीच से स्प्लिट कर देंगे, तोड़ देंगे। ये बीच वाला क्या हो जाएगा, रूट नोड हो जाएगा, और ये दोनों इसके क्या हो गए, पेरेंट्स हो जाएंगे। उसके बाद आफ्टर स्प्लिट कुछ इस तरह से हमारा बन के आएगा, टू हो जाएगा, उसके बाद वन और थ्री हो जाएगा। अब हम इंसर्ट करेंगे फोर, तो फोर कहाँ पे इंसर्ट होगा, यहाँ पे इंसर्ट होगा, यहाँ पे इंसर्ट होगा, यहाँ पे इंसर्ट होगा। तो देखो, हमने बताया था कि क्या करता है कि बी ट्री हमारी बी एस टी की प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है। तो बी एस टी की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि रूट नोड से जितने भी बड़े एलिमेंट होंगे वो रूट नोड के राइट साइड में इंसर्ट होंगे, और छोटे एलिमेंट क्या होते हैं, लेफ्ट साइड में। तो फोर क्या है, टू से बड़ा है, बड़ा है तो कहाँ जाएगा, राइट साइड में जाएगा, तो राइट साइड में ये लीफ नोड में जाएगा, ठीक है, ये राइट साइड में इंसर्ट होगा थ्री के बगल में। अब हम क्या करेंगे, फाइव को हमें इंसर्ट करना है। जब हम फाइव को इंसर्ट करेंगे तो फिर वही कंडीशंस बनी। तो फाइव को इंसर्ट किया, जब मान लिया फाइव यहाँ पे, इसको बीच से फिर से स्प्लिट किया, तो बीच वाले को फोर को हम कहाँ भेज देंगे, यहाँ टू के बगल में। तो अब देखो, नोड हमारी तीन पार्ट में डिवाइड हो गई। तीन पार्ट में क्यों डिवाइड हो गई, एक पार्ट तो ए वाला था, ठीक है, अब एक पार्ट इसका, ए राइट वाला पार्ट इसका होगा, ए लेफ्ट वाला पार्ट इसका होगा थ्री का, ठीक है, फोर चला गया, अब इसका राइट पार्ट फाइव होगा, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है, अब फिर कह रहा है कि इंसर्ट सिक्स, सिक्स को इंसर्ट कहां करेंगे, तो सबसे पहले यहां पे हम चेक करेंगे बीएसटी में, टू से क्या है, बड़ा है, तो हम राइट साइड आ गए फोर के पास, ठीक है, फोर से भी बड़ा है, जब फोर से बड़ा तो हम कहां आ जाएंगे, राइट साइड में। अब यहां फाइव से बड़ा तो सिक्स, इस तरह से हम असेंडिंग ऑर्डर। अभी मान लो कि अभी तो एक क्रम में वैल्यू है, मान लो कि जैसे एक ऑर्डर में है कि वन के बाद टू इंसर्ट करना, थ्री फोर फाइव, अगर मान लो एक अनऑर्डर होती, मतलब थ्री करना है, टू करना है, फाइव करना है, सिक्स, तब क्या करना है, जैसे हम थ्री को इंसर्ट किए, टू को इंसर्ट किया, अब इन दोनों क्या करना है, एक ऑर्डर में सेट करना है, टू पहले आएगा, थ्री बाद में आएगा, इस तरह से इनको यहाँ पे सेट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ टू सिक्स इंसर्ट हो गया। अब जब हम सेवन को इंसर्ट करेंगे, तो सेवन को जब हम इंसर्ट करते हैं यहाँ पे, तो सेवन यहाँ पे आएगा, क्योंकि फोर से बड़ा है, फोर से बड़ा है यहाँ सिक्स से, तो सिक्स के बगल में आएगा। अब जब दो एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जब तीसरा एलिमेंट एंटर करना चाहेगा, तो यहाँ क्या होगी कि हमारी बी ट्री बीच से क्या हो जाएगी, स्प्लिट। अब स्प्लिट हो गया, हाँ आएगी सिक्स, अब ये सिक्स हमारा यहाँ आएगा तो फिर ये कंडीशंस बनेगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फोर हमारा स्प्लिट होके ऊपर आ जाएगा, तो फोर यहाँ आ जाएगा, टू सिक्स इधर आ गया, उसके बाद फोर के राइट साइड में इधर। अब उसके बाद हम इंसर्ट कर देंगे एट को, एट को इंसर्ट करेंगे तो कहाँ पे आएगा, सेवन के बगल में, फोर से बड़ा है, फिर यहाँ पे आएंगे सिक्स, सिक्स से भी क्या है, बड़ा है, तो हम यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ इंसर्ट कर दिया। उसके बाद इंसर्ट जब नाइन करेंगे, ठीक है, जब नाइन को हम इंसर्ट करेंगे तब क्या होगा, अब मान लो यहाँ पे हमने नाइन को इंसर्ट किया, ठीक है, नाइन को इंसर्ट किया तो एट क्या हो जाएगा, बीस से स्प्लिट हो जाएगा, तो नाइन एट सिक्स के बगल में आ जाएगा, तो एट सिक्स के बगल में आ गया, नाइन इधर हो गया। अब हम फाइनली क्या कर देते हैं, टेन को इंसर्ट कर देते हैं। तो देखो ये हमारी बी ट्री, फाइनल बी ट्री बन के आ गई। तो बी ट्री की प्रॉपर्टीज क्या थी कि बी ट्री के जितने भी लीफ नोड होते हैं एट सेम लेवल पे होते हैं, एक सेम लेवल पे होते हैं, कम से कम दो चिल्ड्रंस होने चाहिए रूट नोड के, तो कम से कम दो हैं, तो ये सारी बी एस टी की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। ये तो एक ऑर्डर में नंबर था तो हमने आसानी से कर लिया, सिर्फ हमें राइट सबट्री में जाना था। लेकिन जब एक अनऑर्डर में नंबर होगा, मान लो अगर ऑर्डर फाइव का है, तो ऑर्डर फाइव का है, अगर यम की वैल्यू फाइव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यम माइनस वन यानी फोर, तो फोर बनेंगे यहाँ पे, क्या जितने नंबर आप ब्लॉक्स हैं नोट के, यहाँ पे क्या होंगे, फोर बनेंगे, एक दो तीन चार, इसमें चार एलिमेंट्स। अब देखो इसमें क्या करेंगे, जब फोर का बनता है तो जब यहाँ पे पांचवा एलिमेंट आता है, यहाँ पे मान लो अगर हम इसमें बात कर लें कि
कुछ इस तरह से, एक मिनट, ठीक ठीक है। यहाँ पे अगर हम मान लें कि इसके अंदर वन है, इसके अंदर टू है, थ्री है, फोर, जब पांच आएगा तब हम क्या करेंगे, तो कहाँ से हम इसको स्प्लिट करेंगे, तो यहाँ यहाँ इसको बीस से तीन को हम रूट नोड में भेज देंगे और इन दोनों को अगल बगल। अब जैसे यहाँ क्या होगा, तीन हमारा रूट नोड हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, वन और टू हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, फोर और फाइव हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब अगर मान लो ऑर्डर है तो ऑर्डर फाइव हो गया, अगर ऑर्डर फोर हो तब क्या करेंगे, ठीक है। अगर ऑर्डर यम की वैल्यू फोर दे रखा हो तो यम की वैल्यू क्या आएगी, यम माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, जब थ्री आएगी तो यहाँ पे तीन नोड बनेंगे, ठीक है, ये वन टू थ्री। जब इसमें नंबर इंसर्ट करेंगे, देखो इस वाले कंडीशंस में ध्यान देने वाली बात ये है कि जब नंबर इंसर्ट हम करना चाहेंगे, जब यहाँ पे चौथा एलिमेंट आएगा, जब भी अब इसका बीच कौन सा है, क्योंकि दो एलिमेंट्स इधर दो एलिमेंट्स इधर, तो बीच में, तो आप या तो इस वाले एलिमेंट को पकड़ सकते हैं इससे या इससे, दोनों से, और वही जो एक एलिमेंट आप पकड़ेंगे इसका प्रीसेसर या इसका सक्सेसर, तो उसी से क्या करते हैं कि पूरी ट्री के अंदर सिर्फ वही हम फॉलो करते हैं, वही रूल, या तो हम इसको ऊपर भेज सकते हैं या इसको, तो पूरी ट्री के अंदर जब जब हमारी क्या होगी कि ट्री स्प्लिट होगी तब तब हम क्या करेंगे, सिर्फ वहीं से स्प्लिट करना स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि बी ट्री के अंदर हम किस तरह से किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, बाय बाय गाइज़।